शादी की वो सुहागरात जिसे हर लड़का लड़की अपनी जिंदगी की सबसे खास रात मानते हैं, आज के युवा महीनों तक इस रात का इंतजार करते हैं। जब शादी के दिन पक्के हो जाते हैं तो आज कल के लड़के इस रात की तैयारी में लग जाते हैं और सब कुछ परफेक्ट करने की चाहत रखते हैं। ऐसा ही एक नवविवाहित जोड़ा था जिसे इस रात का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि उनकी शादी धूमधाम से हुई, लेकिन इस रात को और भी खास बनाने के लिए इस आदमी ने कुछ ऐसा कर डाला जो उसे हमेशा के लिए याद रहेगा, मगर शायद उस तरीके से नहीं जैसा उसने सोचा था। इस क्राइम स्टोरी को सुनने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यारा नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अजय नाम का लड़का रहता था। वो अपनी शादी से बेहद खुश था। सब कुछ ठीक चल रहा था, रीति रिवाज, संगीत, मेहमानों का आना जाना, एक सपने जैसा माहौल था। लेकिन शादी के बाद की पहली रात यानी सुहागरात, उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। अजय ने कई दोस्तों से सुना था कि सुहागरात को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ खास किया जा सकता है। उसके दोस्तों ने मजाक में उसे सलाह दी थी कि अगर वह शक्तिवर्धक जैसी दवा लेगा तो ये रात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन जाएगी। अपने दोस्तों की बातों में आकर अजय ने पहले से ही शक्तिवर्धक गोलियां खरीद ली थीं। उसने सोचा, एक दो गोलियों से क्या होगा, अगर 5 गोलियां एक साथ खा लूं तो सुहागरात भी जबरदस्त होगी। जब शादी की रस्में पूरी हो गईं और सारे मेहमान घर से चले गए तो अजय और उसकी नई नवेली दुल्हन नेहा दोनों अपने कमरे की ओर बढ़े। नेहा थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन अजय उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, अजय ने चुपके से अपने जेब से शक्तिवर्धक की 5 गोलियां निकाली और उन गोलियों को एक एक करके निगल लिया। उसने सोचा था कि वो अपनी पत्नी को किसी राजकुमार की तरह महसूस कराएगा और ये रात हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रहेगी। लेकिन गोलियां खाते ही कुछ अजीब होने लगा। अजय के शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अचानक पसीना आने लगा। नेहा ने जब अपने पति को देखा तो उसे चिंता होने लगी, लेकिन अजय ने उसे समझाया कि सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। उसने सोचा कि थोड़ी देर में सब सामान्य हो जाएगा और फिर वह रात वही होगी जो उसने सोची थी। समय बीतता गया, लेकिन अजय की हालत खराब होती गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे चक्कर आने लगे। नेहा को इस समय बहुत डर लगने लगा। उसने सोचा कि कुछ गंभीर हो रहा है। वो उसे संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन अजय ने उसे कोई संकेत नहीं दिया। उसका शरीर पूरी तरह से थकान और बेचैनी से जूझ रहा था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसकी हालत खराब हो रही थी। फिर नेहा ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर घर वालों को अंदर बुलाया लिया। घर वाले अजय की बिगड़ती हालत को देखकर उसे अस्पताल ले गए। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर तुरंत उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने पूछा, आपने आखिरी बार क्या खाया था? अजय ने कांपते हुए बताया कि उसने शक्तिवर्धक की 5 गोलियां खा ली थीं। डॉक्टर भी चौंक गए। उन्होंने कहा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। व्याग्रा का असर आपके शरीर पर बेहद घातक हो सकता है। इंसान के लिए एक गोली की मात्रा बहुत होती है और आपने 5 गोली खा ली। अजय को अब यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, कई घंटे इलाज के बाद अजय की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेनी चाहिए और फालतू दोस्तों की संगति से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताना।